गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम डीएम हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यस स्टैंडर्ड थर्ड. वेलकम इन माय क्लास. यस बेटा, नाउ वी रीस्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास. यस स्टैंडर्ड थर्ड. हम अपना फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं इन ग्रामर. नाउ वी स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर है बेटा, जो है कोमा. कोमा क्या होता है? अल्पविराम. जैसे कि आपने जैसे अब लास्ट चैप्टर में रीड किया, हमें जब सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, शुरुआत करनी है, तो हम उसका फर्स्ट वर्ड क्या डालेंगे? कैपिटल. और उसका एंड करेंगे तो हम उसमें क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, कहीं डॉट, यही लगाते ना. अभी हमें उसका एंड करना है. अब अल्पविराम कोमा हम तब लगाते हैं जब हमारे पास बहुत सारा मटेरियल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है हमें, और बीच बीच में रुकना है. हमें लास्ट में नहीं रुकना, बीच में अगर हमें कहीं रुकना है तो हम उसे क्या कहते हैं? अल्पविराम कोमास. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर फिफ्थ चैप्टर. रीड दिस सेंटेंस. यस, रोहन वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर. ही बॉट टोमेटोज, पोटैटोज, बटर, मिल्क एंड एग्स. और एक चीज़ देखो, यहाँ पे अब टोमेटोज था, टोमेटोज के बाद हमें कोमा लगाना था, नहीं तो टोमेटो, पोटैटो, बटर इकट्ठा हो जाता. ये सब खाने की चीज़ें हैं, कैटेगरी तो खाने की है, ईटिंग फूड है, लेकिन हमने इनको अलग अलग राइट करना था ताकि अलग अलग पता चले. और एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब एंड आ जाता है, एंड के बीच में कोमा नहीं लगाते. और लग गया, ओके, ये सेंटेंस का रूल होता है. कोमा हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है. नाउ वी रीड, वी सी दैट कोमास आर यूज टू सेपरेट द नेम ऑफ थिंग्स एट दैट रोहन हैज बॉट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. हमने देखो इस सेंटेंस में भी बताया गया है, आपने ऊपर पढ़ा है कि रोहन किराना स्टोर में गया, एक ग्रोसरी स्टोर में गया, और उसने वहाँ पे क्या क्या खरीदा? टोमेटोज, पोटैटोज, बटर, मिल्क एंड एग्स. ओके, हमने इन चीज़ों के नाम को सेपरेट करना था, अलग करना था, तो हमने क्या लगाया? कोमास. लेट अस रीड सम फॉर मोर एग्जाम्पल्स. हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे. एग्जाम्पल, हेमा कोमा वरुण कोमास एंड शालू एंड जे आर एबसेंट. ये चीज़ याद रखेंगे, जहाँ पे एंड आ जाए वहाँ पे आप कोमा नहीं लगाएंगे. देखो, नो कोमा इज यूज बिफोर एंड, एंड में कोमा नहीं यूज होता. नेक्स्ट टूल हम पढ़ेंगे, हेयर कोमाज आर यूज टू सेपरेट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एबसेंट. यहाँ पे कोमा लगाए हुए हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग करने के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम राइट किए हुए हैं, फ्यू स्टूडेंट्स या मोर स्टूडेंट्स के, तो हमने इनको सबको अलग अलग करना था, नहीं तो हेमा वरुण शालू इकट्ठा हो जाएगा. इन्होंने, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलग करना था और कोमा तभी यूज़ किया. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. पुट कोमास वेयर यू थिंक दे आर नीडेड. अब आप वहाँ कोमास लगाएंगे जहाँ पे इसकी नीड है, आवश्यकता है. फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर इज़ ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड अ गुड कुक. ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट के बीच में कोमा आएगा बिकॉज ये अलग अलग है. नेक्स्ट है दिया, पिया, सोनिया. दिया के बाद कोमा, पिया के बाद कोमा, सोनिया एंड मीना आर प्लेइंग इन द गार्डन. थर्ड सेंटेंस, आई कांट प्ले क्रिकेट कोमास, फुटबॉल कोमास, बैडमिंटन एंड हॉकी. एंड के बीच में नहीं आता. देखो, आई कैन प्ले, मैं खेलूँगा, क्रिकेट फुटबॉल कोमास. फोर्थ सेंटेंस है, फॉर लंच आई वांट, दोपहर के खाने के लिए मुझे चाहिए राइस, केक्स, वेजिटेबल्स, करी एंड डिज़र्ट. एंड नाउ यू देखो आप, ये सब खाने की चीज़ें हैं, कैटेगरी है राइस कोमा, केक्स कोमा, वेजिटेबल्स कोमा, करी एंड डिज़र्ट में एंड आ गया तो कोमा नहीं आएगा. माई फादर हैज़ विजिटेड फ्रांस कोमा, इंग्लैंड एंड जापान. सिक्स सेंटेंस है आपका, पायल कोमा, रिनीता कोमा, जे एंड जीत आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेस. कर लिया आपने एक्सरसाइज. देखो, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगी हमने वहाँ पे कोमा फिल किया. देखो, अब हम इसका नेक्स्ट रूल करेंगे. नाउ रीड दिस सेंटेंस. अब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन टू मी. स्टूडेंट्स को अब हमने यहाँ पे अलग करना है. स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा? कोमा. रितु कोमा प्लीज़ पास मी द बैग. जब कोई नाम भी आ जाता है और हमें उसको अलग करना है तो हम क्या लगाएंगे? कोमा. यस बेटा, टर्न द पेज. हम नेक्स्ट रीड करेंगे पेज इसी एक्सरसाइज का. कोमाज आर यूज टू सेपरेट अ नाउन यूज टू एड्रेस अ पर्सन और पर्सन सच अ स्टूडेंट एंड रितु फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस.
हमने जो पिछले दो सेंटेंसेस पढ़े हैं ना, उसके बारे में बताया गया है कि हमें किसी के नाम को अलग करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोमा। जैसे अब इसी के ऊपर एक्सरसाइज है आपकी बी, पुट कोमास वेयर यू थिंक दे आर नीडेड। वहाँ पे कोमा लगाओ जहाँ पर आवश्यकता हो। मदर कोमा वेयर आर यू, सोनिया कोमा आर यू कमिंग विद अस, दीपा कोमा समवन वांट्स टू मीट यू, टीचर कोमा मे आई ड्रिंक वाटर, सोनिया कोमा प्लीज कीप माय बुक ऑन द टेबल, प्रीति वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें दोनों रूल आएंगे, किसी का नाम आ जाए नाउन आ जाए तो भी कोमा आता है, और जब बहुत सारी ऑब्जेक्ट आ जाए, बहुत सारी वस्तुएं आ जाए और हमें बीच में अल्प विराम की रुकने की जरूरत पड़े तो हम कोमा यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव इन्वाइटेड ज्योति कोमा सुमन कोमा सोनाली एंड दीप टू माई बर्थडे पार्टी, माई मदर कैन बेक केक्स कोमा, इन स्कूल वी लर्न म्यूजिक कोमा डांस कोमा आर्ट एंड कराटे, माई फेवरेट सब्जेक्ट आर इंग्लिश कोमा, फिफ्थ सेंटेंस आई हैव डन माई हिंदी कोमा, ज्योति कम इनसाइड द क्लास, रवि कोमा कम डाउन स्टेयर्स क्विकली, मोहन कोमा टेल मी द ट्रूथ, ग्रैंडमा कोमा हेयर आर यू स्पेक्टेकल्स, ओके हेयर आर योर स्पेक्टेकल्स, विनोद कोमा योर फादर इज कॉलिंग यू, हेयर स्टैंडर्ड थर्ड, ये आपको फुल स्टॉप कैपिटल लेटर्स कोमास, ताकि आप प्योरिटी के साथ शुद्ध रूप से इंग्लिश को लिख सकें, रुक सकें, बोल सकें, तभी आपको ये सभी रूल्स ग्रामर बुक में करवाए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल, टेक केयर स्टूडेंट।